ये लेने के लिए भी कम से कम मंच पे आकर के थ्रो नॉलेज लेना चाहिए, जे किस हिसाब से कैसे हम इन सभी को ले सकते हैं, जहां से इन फ्यूचर में हमें बहुत भारी इनकम मिलने की संभावना है। एक समय ऐसा आएगा जब ये ना शेयर मिलेंगे ना क्रिप्टो करेंसी मिलेंगे, उस समय हम हाथ मलते रह जाएंगे, समय रहते हुए हमने कुछ नहीं किया। कहावत है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, समय और पानी की बहाव एक किसी के लिए अपेक्षा नहीं करती हैं कि फलाना नहीं आए हैं तो उनके लिए थोड़ा इंतजार की जाए, नो नेवर। तो साथी, समय रहते हुए हम अपना कर्तव्य निभाए, अपने अपने टीम को आगे लाने की कोशिश करें, जिससे कि हमें अपना फ्यूचर की जो इनकम है वो बढ़े और हम समाज में अपना एक ऐसा स्थान बना सके कि रास्ते से हम गुजरे तो हमें देख करके आज जो लोग पागल कह रहे हैं कि ये लोग पागल हो गए हैं, ये सिर्फ जालिम का ही समालोचना करते हैं, उस दिन वही व्यक्ति उलट कर हमें कहेंगे, हमें देख करके कहेंगे, अरे ये तो जालिम से लड़ जा रहे हैं, बहुत मान इज्जत वाले हैं। और वो उस समय हमारे सामने आकर के अपना परिचय देने का कष्ट करेंगे कि हमें भी आपके साथ लेकर के चलेंगे। ऐसा दिन आ रहा है दोस्तों, आज अपना पेशेंस ना खोए, बहुत ही जल्दी हमें इस जालाइफ से बहुत बड़ी शहरियत हासिल होने वाला है, और सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं माइक को हैंड ओवर करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू निर्मल सरकार, बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं साथियों, हमारे मन में, हमारे सोच में दो तरह की एनर्जी होती है। एक होती है साथियों पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। यदि दोनों सोच के बारे में बात की जाए, जिन लोगों के दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी होती है वो हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, और जिन लोगों के दिमाग में नेगेटिव एनर्जी है वो नेगेटिव बातें करते हैं। साथियों, ये ऑटोमेटिक एक दिमाग में चलती है कि जब नेगेटिव बातें होंगी तो नेगेटिव सोच, और नेगेटिव सोच जब होगी तो आदमी ऑटोमेटिक नेगेटिव बातें करने लगेगा। इसका मतलब क्या आप समझते नहीं? पता नहीं ये समझना चाहते नहीं चाहते आप लोग। जैसा कहते हैं ना कि जैसा बोओगे अन्न वैसा मिलेगा धान। प्रकृति में यदि आप लोग या अपने बगिया के अंदर, बाग के अंदर, खेत के अंदर जो आप बोओगे ना वही आपको काटना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है, ऊपर वाले का नियम है। और यदि आप कुछ नहीं बोओगे तो वहां पर सिर्फ घास ही घास उग जाता है। मतलब आपकी सोच आपको क्या तैयारी करती है ये आपके ऊपर, क्योंकि प्रकृति तो जमीन तो देने को बैठी है, ऊपर वाले बरसाने को बैठा है, हवा धूप प्रकृति सब कुछ मिल रही है, लेकिन यदि जमीन में कोई आपने बीज नहीं डाला तो निश्चित मान लीजिए वहां पर उगेगा कुछ ना कुछ तो उगेगा, ये निश्चित मान लीजिए। इसलिए यदि आपकी सोच पॉजिटिव रहती है तो अपने हिसाब से उगाना सीखिए, जिससे आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहे। और यदि जमीन को खाली छोड़ेंगे तो वहां घास उगेगा जो आपको नेगेटिव एनर्जी देगा। साथियों, बात करते हैं कि जो मैंने भी आपका कहा थोड़ी सी बात उसके बारे में चर्चा करेंगे कि पॉजिटिव सोच आपको पॉजिटिव, जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो पॉजिटिव बात रखते हैं, जो नेगेटिव सोच होते हैं, सोच वाले होते हैं वो नेगेटिव बातें रखते हैं। क्योंकि जो सुखी इंसान है वो 99% सुख बांटने की कोशिश करता है, और जो दुखी इंसान है वो 99% दुख बांटता है। ज्ञानी आदमी हमेशा ज्ञान की बात करता है, नॉलेज देता है, और भ्रमित आदमी वो हमेशा
भ्रम से भरी बातें करता है, पता नहीं होगा नहीं होगा, क्या होगा कैसे होगा। और जो डरपोक आदमी होता है, जो भयभीत आदमी होता है, वो हमेशा भय के रूप में भयभीत लगता है, कि डर से जीना चाहता है वो। साथ ही हकीकत आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप लोग किस तरह अपनी जिंदगी काटना चाहते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि जिंदगी में सबसे अच्छा वक्ता वही बन सकता है जो सबसे पहले श्रोता बने। यदि आपको अच्छा वक्ता बनना है तो अच्छा श्रोता बनना ही पड़ेगा, और यदि आप लोग अच्छा वक्ता नहीं बन सकते तो दावा है मेरा कि जिंदगी में आप लोग अच्छा वक्ता नहीं बन सकते। ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि सीखते कहाँ से हैं। हम शुरुआत में बात करें तो बचपने में जो हमारे गार्जियंस होते हैं, वो जो हमें बोलना सिखाते, वही हम लोग शुरुआत करते हैं। फिर धीरे धीरे लोगों के संपर्क में आते हैं, वहाँ हम जैसे लोगों के बीच बैठते हैं, जैसी बातें सुनते हैं वैसा बोलते हैं। फिर जैसे जैसे हम लोगों की बैठक और जैसे हमारी बातें होती है, उस हिसाब से हम बोलना सीख जाते हैं। ये साकिब आप और मैं कुछ नहीं, कहते हैं कि जो चीज जैसी है, अगर इसमें आप लोग इस प्रकृति पर चलते हैं कि जो जैसा कहेगा, जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा, जो जैसा सोचता है वैसी उसको अवधारणा मिलने वाली है। साथ ही निश्चित मान लीजिए कि हमेशा ध्यान रखना, हर चीज आपको उतना ही यूज लेना चाहिए जो आपको पच सके। कहते हैं कि भोजन उतना ही करो जितना पचे आपको, और पैसा जो आता है यदि वो पछता नहीं है तो दिखावा बढ़ जाता है हमारा, हम गलत शौकों में चले जाते हैं। बातें उतनी ही करनी चाहिए जितनी पच सके, यदि नहीं पचती है तो वो चुगली करने लगता है और ओवरफ्लो हो जाता है, लोग उससे अपना निगाह से देख लेते हैं साल क्यों। और किसी की बढ़ाई भी उतनी ही करनी चाहिए जितनी पच सके, नहीं तो वो फूलकर कुप्पा हो जाता है साथियों। और बात करें, अगर किसी को राज मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, कलेक्टर बन जाए, और यदि उसमें घमंड आ जाता है तो वो उसे भी नहीं पचा पाता, तो साथियों। और किसी को यदि दुख मिलते हैं और वो उसे नहीं पचा पाता तो निराशा बन जाती है उसके जीवन में। और सुख यदि ज़्यादा मिल जाए और वो भी ना पचे तो वो पाप के वशीभूत होकर व्यसनों में चला जाता है। जो यदि पैसा आपके पास ज्यादा, सुख आपके पास मिल गया है तो वो अपने आप को भगवान मान बैठता है साथियों। इसलिए हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और पॉजिटिव सोच के साथ जिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और हमारे बीच हैं आशीष उरकुड़े सर फ्रॉम MP बालाघाट से। सर वेलकम है, मंच पे आए और अपनी बातों को रखें। वेलकम आशीष सर, वेलकम सर। थैंक यू महेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष उरकुड़े MP बालाघाट से। सुबह 7 बजे के इस सेशन पे दिनेश शर्मा जालाई ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम सभी इस बात से भली भांति परिचित है कि हम सबको एक साथ रहने या एक रहकर ही हम इस प्लेटफॉर्म में एक अच्छा मुकाम पा सकते हैं। मैं हरदम इस बात को कहता हूँ हर किसी से, और मैं देख रहा हूँ कि मेरी बात काफी दूर तक जा रही है, और मेरे वो तमाम छाती यहाँ पे जो उपस्थित हैं वो मेरे उस कार्य को समझ भी रहे हैं और वो उसको उस तरीके से कर भी रहे हैं। वो तो मेरे को आज सुनकर बेहद अच्छा लगा कि जैसे स्टार्टिंग में ही मैम ने बात रखी और उन्होंने मेरी उस बात को आगे लेके गए कि वो प्रतिदिन फेसबुक में अपनी एक पोस्ट जरूर डाल रहे हैं, क्योंकि हमारी यूनिटी को जब तक हम किसी के सामने नहीं रखेंगे। हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी टीमें हैं, यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उनकी एक अच्छी खासी टीम है, किसी की 2,000, 5,000, 1,000, 10,000 बड़ी बड़ी टीमें हैं, लेकिन वो हम अपनी टीमों तक इस बात को नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि दोस्तों प्रयास करें हम
अपनी फेसबुक आईडी पर इसे